हॉरर कहानियां टीवी। अगली मौत किसकी? संजीव अपने दोस्तों राघव और प्रतीक के साथ बियर बार में बैठकर बियर पी रहा था। संजीव आज बहुत खुश लग रहा था। अरे यार, आज की पार्टी में तो मजा आ गया। तुम दोनों दोस्तों के साथ तो मेरी जिंदगी इतनी अच्छी है कि क्या बताओ कितनी अच्छी है। अरे भाई, अब दोस्ती की है तो जीना मरना सब साथ में। हाँ, अरे अरे यार सुनो, जल्दी से एक बियर और ऑर्डर करते हैं ना, एक आखिरी, और उसके बाद ये जश्न यही खत्म हो जाएगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। वेटर, जल्दी से दो बियर की बोतल लेकर आओ, आज मेरे दोस्तों को जश्न मनाना है। क्यों? इतने में वहां पर एक बहुत सुंदर लड़की छोटे छोटे कपड़े पहनकर हाथ में बियर की बोतल लेकर उसके पास आती है। ये लीजिए, आपने बियर ऑर्डर की थी ना, मैं लेकर आ गई। क्या बात है यार, इस बार की वेटर तो बड़ी सुंदर है। अब बियर लेकर आई हो तो अपने हाथों से ही पिला दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। क्या बात है यार, अब तो लगता है रोज यही आना पड़ेगा। उसके बाद वो लड़की उन तीनों को बियर सर्व कर देती है। पार्टी करने के बाद वो तीनों अपने अपने घर जाते हैं। प्रतीक, संजीव और राघव को उनके घर छोड़कर जैसे ही अकेला अपनी कार में आकर बैठता है तो अचानक उसे एहसास होता है जैसे उसकी कार की पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुम मेरी कार में कब आई? अरे तुम तो बार में वेटर थी ना। बस ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था आपके साथ आपके घर चलने का, इसलिए मैं आपके साथ चली आई। अरे लेकिन तुम मेरी कार में आई कब? अभी कुछ देर पहले तो यहाँ पर मेरे दोस्त बैठे हुए थे। प्रतीक के इतना बोलते ही उस लड़के का चेहरा खतरनाक तरीके से बदल जाता है। उसकी आंखें पत्थर की तरह सफेद और पूरे शरीर पर नीली नीली नसें उभर आती है। गाड़ी चलाओ, पूरी स्पीड में चलाओ, और अगर तुमने गाड़ी रोकने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डर की वजह से प्रतीक के पसीने छूटने लगते हैं, उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। प्रतीक बिना कुछ सोचे समझे कार को फुल स्पीड से चलाना शुरू करता है। चलते चलते वो शहर से दूर एक पहाड़ी पर पहुंच जाता है और सामने अब सिर्फ पहाड़ी का किनारा दिख रहा है, जिसे देख प्रतीक घबराकर अचानक से कार को ब्रेक लगाता है। देखो 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 देखो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। अगर 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 मैंने गाड़ी जरा सी भी आगे बढ़ाई तो हम दोनों नीचे गिर कर मर जाएंगे। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, अब कुछ नहीं हो सकता। छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। गाड़ी आगे बढ़ाओ। और तभी अचानक से बिना प्रतीक के स्टार्ट किए उनकी कार आगे बढ़ती है और गहरी खाई में गिर जाती है। उसके चीखने की आवाज एक चारों तरफ सुनाई देती है। तुझे मार कर मेरे कलेजे में जल रही आग को थोड़ी शांति तो मिल गई, लेकिन अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई। और फिर अगले दिन राघव और संजीव को पता चलता है कि प्रतीक की पहाड़ी से नीचे गिरकर मौत हो गई। अरे कल रात की तो बात है यार, हम सब बैठकर पार्टी कर रहे थे, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, राघव शहर से इतना बाहर उस पहाड़ी पर इतनी रात को क्या करने गया था? अरे यार, वही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ। हम दोनों को छोड़ने के बाद तो वो सीधा अपने घर जाने वाला था। और वो आत्महत्या क्यों करेगा भाई? कल रात तक वो कितना खुश था, हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहा था। हाँ, लेकिन पुलिस ने तो यही कहा है कि प्रतीक ने अपनी कार को जानबूझकर पहाड़ी से नीचे गिरा दिया और आत्महत्या कर ली। अरे यार,
संजीव मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चल ठीक है, अब मैं अपने घर जाता हूँ। ओके बाय। राघव अपने घर में अकेला था। दोपहर का वक्त था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। कौन है? अरे एक मिनट रुको, अभी आता हूँ। राघव ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसने देखा कि सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है। कौन है आप और यहाँ किससे मिलने आई है? देखिए ना, बाहर बारिश शुरू हो गई थी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। आपका घर नजर आया तो सोचा कुछ हेल्प ले लेती हूँ। क्यों नहीं, आइए ना, आइए आइए। मेरे कपड़े पूरे भीग चुके हैं, क्या आपके पास टॉवल मिलेगा प्लीज? राघव अपने बाथरूम से एक टॉवल लाकर उस लड़की को देता है। थैंक यू सो मच, अब मैं चलती हूँ। अरे इतनी क्या जल्दी है, आप चाहे तो बारिश रुकने तक यहाँ पर रुक सकती हैं। हाँ। लड़की ने पलटकर राघव की तरफ देखा। नहीं, मुझे जाना होगा, मेरा काम बाकी है। और वो वहां से चली गई। उस लड़की के जाने के बाद राघव अपने बाथरूम में नहाने के लिए गया, और जैसे ही उसने बाथरूम में देखा तो उसका टॉवल वहीं पर लटका हुआ था। उसने टॉवल हाथ में लिया तो देखा कि उसका पूरा टॉवल खून के धब्बों से सना हुआ है। अरे अरे ये क्या, ये टॉवल तो मैंने उस लड़की को दे दिया था, ये वापस मेरे बाथरूम में कैसे आ गया, और इस पर ये खून के धब्बे कहां से आ गए? राघव ने आईने में देखा तो उसकी गर्दन पर एक बड़ा सा चाकू का कट लगा हुआ था, जिससे खून बह रहा था, जिसे देख राघव के होश उड़ गए। हाँ, अरे ये क्या, मेरी गर्दन इतनी ज्यादा कटी हुई है और मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? राघव घबरा कर बाथरूम से बाहर आया और अपना मोबाइल उठाकर उसने संजीव को फोन लगाया। संजीव संजीव जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, जल्दी आ जाओ। उधर से आवाज आई, लेकिन वो आवाज संजीव की नहीं बल्कि एक लड़की की थी। कुछ अजीब नहीं हुआ है, बस तुम्हारी मौत तुमसे मिलने आई थी और तुम्हें मार कर चली गई। अब तुम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हो राघव, इसलिए तुम्हें अपनी गर्दन के कटने का दर्द भी महसूस नहीं हो रहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। अब संजीव के पास खबर पहुंचती है कि राघव ने अपने ही घर में चाकू से गर्दन काटकर आत्महत्या कर ली। ये सुनने के बाद संजीव के होश उड़ गए, वो पसीने से तरबतर हो गया और एक अनजाना डर अब उसके दिल को सताने लगा। संजीव के साथ ही उसका एक छोटा भाई राजीव भी रहा करता था। अपने भाई को इस तरह परेशान देखकर राजीव उसके पास आया। अरे भैया, क्या हुआ भैया, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? प्रतीक और राघव की मौत, मेरा मतलब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, अचानक से मेरे दोनों दोस्तों ने आत्महत्या क्यों कर ली? अरे वो तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है भैया। हाँ, हो सकता है कि कोई परेशानी होगी और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। हाँ, लेकिन दोनों की जिंदगी में एक साथ परेशानी और दोनों का इतनी खतरनाक तरीके से आत्महत्या करना, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं मैं भी मर जाऊंगा? अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं भैया, वैसे ही मैं इतना परेशान हूँ। जब से अंजलि ने मेरा साथ छोड़ा है, तब से सब कुछ बहुत अजीब सा हो गया है। रोज रात को डरावने सपने आते हैं, ऐसा लगता है जैसे अंजलि बार बार मेरे सपनों में आकर मुझे डराने की कोशिश करती है। अंजलि का नाम सुनते ही संजीव की आंखें फट गई और उसके गले में आवाज अटक गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। कौन थी वो लड़की जिसने प्रतीक और राघव को आत्महत्या की आड़ में मौत के घाट उतार दिया? और कौन थी अंजलि जो बार बार राजीव के सपनों में आकर उसे डरा रही थी? अंजलि का नाम सुनकर संजीव इतना घबरा क्यों गया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए इस खतरनाक कहानी का अगला भाग।